मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं उज़ैन सैयद और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुर्ला के स्काई वॉक पर। हालांकि हम आपको इस स्काई वॉक की जो हालत है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सफाई के नाम पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा ये ब्रिज गंदा है, और रेल प्रशासन लगातार सफाई का काम करता है मगर जो लोग होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कहीं इस ब्रिज को साफ रखने की, कचरा नहीं फेंकने की। इसके बावजूद लोग इस ब्रिज पर आकर आप देख सकते हैं नशे की जो दारू की बॉटल होती है वो दिख रही है यहाँ पर, नज़र साफ आ रही है। और जो सुरक्षा की बात करूँ तो यहाँ पर कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ से जो ब्रिज था ये ब्रिज को खोल जाएगा मगर इसे इसी तरह खुला छोड़ दिया गया है। अगर कोई अनजान व्यक्ति रात में यहाँ से गुजरता है या कोई नाबीना व्यक्ति यानी जो देख नहीं सकता अगर वो यहाँ से गुजरता है तो वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कई ऐसे पत्थरे हैं जो उन्हें लगने के चांसेस है, कई दारू की बॉटल है यहाँ पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस ब्रिज का जो नशेड़ियों का अड्डा बनते जा रहा है ब्रिज, और ये यूजलेस हो चुका है ब्रिज। रेल प्रशासन को इस पे एक सख्त से सख्त कदम उठाकर इस ब्रिज का इस्तेमाल अच्छे से हो ऐसे कुछ काम को अंजाम देना चाहिए। अब देखना ये रहेगा कि वीडियो चलने के बाद रेल प्रशासन किस तरीके से एक्शन में आता है और किस तरीके से यहाँ पर लोगों की सुरक्षा बढ़ाता है। कैमरा पर्सन अनस शेखिया, जैन सैयद, मुंबई टीवी, कुर्ला।